सभागार में पत्रकार वार्ता कर बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार विभिन्न थानों के थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं। वहीं संदिग्धों के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है। चुनाव को लेकर हम लोग काफ़ी सतर्क हैं। यहाँ पे 20 ब्लॉकों में चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और हमारे 22 थाने इसमें प्रभावित हैं। हम और DM महोदय के द्वारा लगातार फील्ड विजिट किया जा रहा है। जितने भी अति संवेदनशील की श्रेणी में जितने भी मतदान केंद्र आ रहे हैं, वहाँ पे लगातार हम भ्रमण कर रहे हैं और अपने अधीनस्थों को भी उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता ये कि जो निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव है, उसके लिए जो काम करना है वो सब हम कर रहे हैं। जहाँ तक सेंसिटिव वो है, वहाँ पे जो हिस्ट्री शीटर एवं जो खुराफाती तथ्य है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। रेड कार्ड भी हम लोग टारगेट आइडेंटिफाई करके बांट रहे हैं। जो भी खुराफाती करेगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जो आम जनता को सुरक्षा दी जाएगी। सर, सबसे बड़ी बात है कि एक ही दिन में चुनाव होना है, पूरे जनपद में एक ही चरण में चुनाव है, इसको लेकर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी इतना? देखिए, सब जगह से फोर्स, जैसे रेंज से फोर्स गोरखपुर को मिलेंगे, गोरखपुर रेंज के अन्य जनपदों से गोरखपुर को फोर्स दिया जाएगा और पर्याप्त फोर्स लगाया जाएगा। हर जगह पुलिस मौजूद रहेगी और 101% शांतिपूर्ण चुनाव रहेगा। संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में थोड़ा सा ढीलापन आ गया है, क्योंकि जो काफ़ी दिन से बीच में कोरोना लगभग न्यूनतम स्थिति में पहुंच गया था, फिर से सेकेंड वेव आया है। गोरखपुर जनपद में लगातार पिछले 10 दिन में कुछ केसेस बढ़ तेज़ी से बढ़ने का हुआ है कि हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं और मास्क पहनने की एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की आग्रह कर रहे हैं। आगे से सख्ती से चालान किया जाएगा और जो कुछ भी ये महामारी के इस वक्त पे लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ सख्ती